हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल क्रैकबोर्ड 1920। सो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जनरली स्टूडेंट्स करते हैं, क्योंकि जैसे लास्ट 20 और 25 ईयर से हम देख रहे हैं, लगभग हर साल कुछ स्टूडेंट्स तो ये मिस्टेक करते ही करते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए ताकि आपके आने वाले बोर्ड्स और प्री बोर्ड्स में ये मिस्टेक्स नहीं हों। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, डिफरेंशिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है ये। ठीक है, लेकिन आपने करना क्या है कि जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, हमें पता है कि ये क्वेश्चन लॉग से सॉल्व होना है, लेकिन इसका प्रॉपर मेथड क्या है कि पहले आप फर्स्ट टर्म को यू लें, दूसरे को वी लें और इंडिविजुअली सॉल्व करें और तब वैल्यू आपने पुट करनी है। लेकिन करते क्या है, टेकिंग लॉग, यहीं पे आपने लॉग अप्लाई कर दिया, क्योंकि प्लस पे लॉग ऑपरेट होता ही नहीं है सेपरेट। लॉग की करेक्टरिस्टिक है कि वो प्रोडक्ट को कन्वर्ट करता है प्लस में। अगर लॉग सपोज y आपका a प्लस बी है तो आप उसको लिख ही नहीं सकते लॉग y इक्वल्स टू लॉग a प्लस लॉग b, तो ये पहला स्टेप ही आपका रॉन्ग हो जाएगा, आगे वो चेक ही नहीं होगा। क्लियर, बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए इसको। फर्स्ट टर्म को आपने u ट्रीट करना है, सेकेंड टर्म को आपने v एज्यूम किया, फिर यहां पर आपने लॉग अप्लाई किया, लॉग u equals to x, क्योंकि पावर कहां पे ट्रांसफर होती है, फ्रंट में, इनटू log x, जो भी बेस है उसके साथ log आएगा। इसको आपने प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करना है, इसको आपने सिंपली डिफरेंशिएट करना है चेन रूल से। यहां से हमें मिल जाएगी du by dx की वैल्यू। बिल्कुल ऐसे ही हमने v को सॉल्व किया, log v, पावर फ्रंट में, log बेस के साथ, फिर से आपने इसको सिंप्लीफाई किया, और क्योंकि y इक्वल है u प्लस v के, तो dy by dx की वैल्यू du प्लस dx प्लस dv by dx, दोनों की वैल्यू आप इक्वेशन से पुट करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, फाइंड a इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वेयर a इक्वल्स टू दिस। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि आपने इनवर्स फाइंड करना है बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन स्टूडेंट्स ने करना क्या है, a11, a12, a21, a22 यानी कोफैक्टर्स फाइंड किए, डिटर्मिनेंट फाइंड किया और उसकी हेल्प से एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट से इनवर्स फाइंड कर दिया, लेकिन उसमें आपको कोई मार्क्स अलॉट नहीं होगा जब तक आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स फाइंड नहीं करेंगे। सिंपल है, एलिमेंट्री के लिए आपने a इक्वल्स टू आई ए स्टार्ट करना है अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, और a इक्वल टू ए आई से स्टार्ट करना है अगर आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। सिंपली हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया, फर्स्ट इस एलिमेंट को हम कोशिश करते हैं कि हमें वन मिल जाए, यहाँ वन नहीं मिल पा रहा है तो आप सेकेंड में इजीली, जहाँ पे आप इजीली वन ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। आपने अप्लाई किया आर टू माइनस आर वन, थ्री माइनस टू दिस इज वन एंड टू माइनस वन अगेन वन, नाउ दिस माइनस दिस इज माइनस वन एंड दिस माइनस दिस इज वन। ठीक है, अब हमने इसको वन में चेंज करना है तो टू माइनस वन इजीली हमें क्या मिल जाएगा, वन। दैट मीन्स आर वन माइनस आर टू हमने अप्लाई किया, वन टू माइनस वन वन एंड वन माइनस वन जीरो। अभी हमें किस में ट्रांसफॉर्म करना है, इस एलिमेंट को जीरो में चेंज करना है। इसको जीरो में चेंज करने के लिए आर टू माइनस आर वन अगेन अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही ये मैट्रिक्स आपका चेंज होता है यूनिट में, तो जो यहां पर आपको मिलता है दैट इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज टू एनी मैट्रिक्स इज गिवन, शो दैट एक इक्वेशन आपको प्रूव करनी है जीरो के इक्वल, हेंस फाइंड ए इनवर्स। इस हेंस का क्या मतलब है, इसका मीनिंग है कि जो इक्वेशन आपने प्रूव करी है ये वाली, पहले आपको इसको शो दैट यानी प्रूव करना है, उसके बाद फाइंड करना है इनवर्स इसी इक्वेशन की हेल्प से। लेकिन स्टूडेंट्स करते क्या हैं, आपने ये इक्वेशंस तो जीरो के इक्वल प्रूट कर दी, सॉल्व कर दिया, प्रूव कर दिया, लेकिन फर्दर ए इनवर्स आप फाइंड कर देते हैं कोफैक्टर, एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट की हेल्प से, दैट इज रॉन्ग। आपने कैसे करना है, पहले ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सेवन आई, इसको प्रूव किया आपने, सिंप्लीफाई किया जीरो जीरो के इक्वल एज इट इज, जैसे आप करते ही हैं। उसके बाद जो इक्वेशन आपने शो की है वहीं से आप स्टार्ट करेंगे और ए स्क्वायर को लेंगे ए इंटू ए, फिर आपने मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स से, फाइव ए इसको भी ए इनवर्स से इंटू किया, सेवन आई इसको भी ए इनवर्स से इंटू किया और जीरो को भी ए इनवर्स से इंटू किया। पूरी इक्वेशन को पोस्ट मल्टीप्लाई किया आपने बाय ए इनवर्स, राइट। जीरो की करेक्टरिस्टिक है कि जीरो मैट्रिक्स किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा वो जीरो में चेंज हो जाएगा। आई की करेक्टरिस्टिक है वो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। ठीक है,
ए इनवर्स जो मैट्रिक्स है उसके साथ उसका इनवर्स मल्टीप्लाई होगा तो वो आपको देगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे भी ये आइडेंटिटी हो गया। अब आइडेंटिटी की करेक्टरिस्टिक है वो ए से मल्टीप्लाई होगा तो केवल क्या मिलेगा आपको ए। हमने इनवर्स फाइंड करना है तो ये टर्म हमने यहीं पे रखा, फाइव फाइव उधर गया पॉजिटिव और ए उधर गया नेगेटिव। आई के प्लेस पर आई की वैल्यू, ए के प्लेस पर ए की वैल्यू और ये सेवन आ जाएगा वन अपॉन में, ये आंसर आएगा आपका इनवर्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी बेस्ड। इसमें क्या मिस्टेक होती है जनरली कि इसमें एक वर्ड हम ध्यान नहीं देते हैं, दैट इज विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर विद रिप्लेसमेंट है तो कैसे सॉल्व करना है, इसके बाद हम लेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट का केस। सपोज एक बैग है कंटेनिंग 30 बल्ब, 6 डिफेक्टिव एंड 24 नॉन डिफेक्टिव। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव 6 अपॉन 30, दैट इज 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव दैट इज 1 - 1/5, 4/5। विद रिप्लेसमेंट का मतलब है कि आप जो भी ड्रॉ कर रहे हैं उसको वापस आप बैग में ही पुट कर रहे हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें क्या फाइंड करनी है, एक्स की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं जब एक भी डिफेक्टिव नहीं है, एक डिफेक्टिव है, टू डिफेक्टिव है, थ्री डिफेक्टिव है और फोर डिफेक्टिव है। ठीक है, जब कोई डिफेक्टिव नहीं है यानी सबके सब चारों के चारों कैसे हैं, नॉन डिफेक्टिव। नॉन की प्रोबेबिलिटी है 4/5 फर्स्ट के लिए, सेकेंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर के लिए, सबको आपने इंटू कर दिया। लास्ट जब आप 4 लेंगे x की वैल्यू तो क्योंकि सबके सब कैसे हैं डिफेक्टिव, दैट इज 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5। ठीक है, अब सपोज हम 1 डिफेक्टिव की बात करते हैं तो 1 डिफेक्टिव का क्या मीनिंग है। सपोज 4 में से कोई भी एक डिफेक्टिव है तो हो सकता है वो फर्स्ट डिफेक्टिव हो सकता है वो सेकेंड डिफेक्टिव है या थर्ड डिफेक्टिव है या 4, तो कितने केसेज हैं, दैट इज 4C1, तो वो आपने यहाँ पे यूज करना है। 3 नॉन डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव। इन द सेम वे आउट ऑफ 4 टेकिंग 2 एट अ टाइम, दैट मीन्स 4C2, 2 डिफेक्टिव, 2 नॉन डिफेक्टिव। थर्ड केस में 4C3 एंड 4/5 इंटू 1/5, 1/5, 1/5, 3 टाइम। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन अगर इसमें होता विदाउट रिप्लेसमेंट तब हम इसको कैसे करते, विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है तो हम इसमें यूज करेंगे कॉम्बिनेशन। इसमें फिर हमें अलग अलग डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तब कैसे करना है, जब एक भी डिफेक्टिव नहीं है यानी सबके सब कैसे हैं नॉन डिफेक्टिव, 24C4 अपॉन 30C4। जब एक डिफेक्टिव है 24C3 और 6C1 मल्टीप्लाई में अपॉन में 30C4। टू डिफेक्टिव के लिए 6C2 इंटू 24C2 ओवर 30C4। थ्री डिफेक्टिव के लिए 6C3 इंटू 24C1 अपॉन 30C4। इसी टाइप से 4 डिफेक्टिव के लिए 6C4 अपॉन 30C4। सी को कैसे सॉल्व करते हैं, कॉम्बिनेशन है सिंपल। 24C4 है सपोज, तो आपने यहाँ पे क्या लेना है डिनोमिनेटर में 4 से स्टार्ट करके 1 तक एक एक कम करके, और न्यूमरेटर में 24 से स्टार्ट करके एक एक कम करते हुए 4 टर्म्स लेनी है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ कॉमन क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं, तो आप ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे और इनको अवॉइड करेंगे। ठीक है, आज इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगे तो लाइक माई वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, बाय बाय।